देख रहे हैं डीडी नेशनल इंडिया का अपना चैनल। कल का सारा दिन भी निकल गया, आज भी इतना समय हो गया। अगर तुमसे कोई इंतजाम नहीं हो सकता हो तो बताओ मेरे को, मैं कुछ और देखूं। भैये, इब हम करें भी तो क्या करें? हम भी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें लड़की चाहिए तो कैसी? मुझे अय्याशी का शौक नहीं है, लड़की घरेलू हो, इज्जतदार घर की लगे, बस। घरेलू इज्जतदार, और वो भी इस गांव में? भाई, ये तुम्हारी पसंद की एक लड़की है तो इस गांव में, लेकिन उसकी माँ बहुत असूल वाली है। वो तो मन में ठान कर बैठी है कि किसी भी कीमत पर अपनी लड़की का सौदा नहीं करेगी, उसे बाकायदा विदा करेगी। पर तुम तो जानते हो मैं कोई यहाँ शादी ब्याह करने तो आया नहीं हूँ। अरे तुम चिंता ना करो, हम है ना बाबू मोटेराम, सब संभाल लेंगे। तुम चलो आओ। ओ जमुना बुआ, इस लल्लिया को इस गांव से भगा क्यों नहीं देती? अरे पंडित जी, क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? एक माँ के सामने उसकी बच्ची के लिए ऐसा कह रहे हैं आप? बच्ची? अरे बच्ची नहीं, सब औरत को औरत। इस गांव में कोई भी इसकी उम्र की लड़की नहीं है। ये देखो, ये उसने गुलेल खेलने का इतना ही शौक है तो क्या यही सिर रह गया था? अरे राम राम राम, पंडित जी माफ करना, औने दो उसको, मैं अच्छी तरह खबर लूंगा। मुझे लगा कुछ नहीं रहूंगी। ये देखो यार, तूने बहुत नाक में दम कर रखा है मेरा, तेरी रोज रोज शिकायतें आती है। अरे अरे जमुना बहन, क्या करो तो काहे जवान लड़की पर हाथ उठा दो? अरे भैया तुम चुप रहो, बहुत चर्बी चढ़ गई इसकी लंदड़ी को, इसने इसने पंडित जी का सर फोड़ दिया। तेरी गुलेल तो मैं कमबख्त ना तो ना इंजा। खूब बकला गाली है। और कल जब ये ससुराल चली जाएगी तो सीना पीट पीट कर रोना। अरे इसके भाग में कहाँ है ससुराल, ये तो सारे वक्त मेरी छाती पे मूंग दलेगी। रोज रोज किसी ना किसी की शिकायत, कभी किसी का बैल खोल दिया, कभी किसी का सर फोड़ दिया। अरे हमारी जान की मुसीबत है, ना इसको मौत आती है ना मुझे आती है। तो चल अंदर, तुझे बताती हूँ। तुम कहाँ चले हैं? दलिया को बिठवाए का चैन मिल गया? छोड़ा हमारा हाथ, हमें हरिपुर ठाकुर बलवीर सिंह की लड़की की शादी में जाना है। इस बेवकूफ ने हमारा सत्यानाश कर दिया, अब घर जाके स्नान करेंगे। आए ललिया के हमदर्द। अरे भैया इसके लिए भी कोई लड़का देखो, मैं तो बिल्कुल बेजार हो गई हूँ। एक तो जवान लड़की
और ऊपर से मेरी गरीबी, दो दो पाप है मेरे घर में। अरे भैया, कोई भी अंधा लंगड़ा लूला कोई भी मिल जाए तो मैं इसके हाथ पीले कर दूं। अरे बहना, इसलिए तो मैं आया हूँ, ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा फड़क उठोगी, अपनी लड़िया के तो भाग जग गए। तुम कहो तो लड़के से मिलवाई दूं? हाँ जरूर, उससे मिलकर ही तो हम सारी बात साफ करेंगे। तो ठीक है, मैं उसे अभी जाकर ले आता हूँ। वैसे लड़के ने ललिया को आज 12 पर देख लिया है, उसे ललिया पसंद भी है। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी भैया। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। माँ, आखिर तूने मेरी सुन ली? इज्जत रख ली भगवान तुमने मेरी, बेटी को ब्याहने का सपना साकार होने वाला है। बताइए सारा काओ, बस अब जल्द से जल्द मेरी बेटी का घर बसा दो, बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही प्रार्थना है मेरी। बस अरे भैया आओ ना, यहाँ तुमसे लुकने वाला कौन है? आओ। कैसी हो बहना? बस कट रही है। बहना ये है गोपाल, चंद्रपुर से आए हैं, अब सारी बातें खुद ही तय कर लो, बिटिया भी तुम्हार और फैसला भी तुम्हार। देखो भैया, वो सब तो ठीक है, पर एक बात हम साफ साफ बता देते हैं, अगर ई ललिया को ब्याहने आए हैं तो शौक से ले जा सकते हैं, हम ललिया को बेचेंगे नहीं। और अगर ये बात इनको समझ में नहीं आती है तो कोई और घर देख ले, बहुत से गांव वाले मिल जाएंगे निर्लज बेशरम। अरे बहना, किसी और घर जाना होता तो तुम्हारे घर तो आते है, कम से कम मेरी बात पूरी तो सुन लो, अपने ही आके जा रही। तो क्या ये सशवश ललिया को ब्याहने आए हैं? और क्या, मैं अभी आई। ये तुमने क्या किया? इस तरह झूठे वादे पर ललिया को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये अजीब आदमी हो। अरे उस बुढ़िया को राजी करवाना कोई आसान काम नहीं है, वो भी जानती है इस गांव में दूल्हे नहीं आएंगे, डोलियां नहीं उठेंगे, लड़कियां जैसे तैसे निकल जाए यही उनका बात समझे। ये तो एक तरह से धोखा है। अरे ये लोग भैया उसके आदि है, अब तुम्हें तुम्हारे काम से मतलब? पूरे गांव को दिखा दोगे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान?
अगर माँ को सच बता दे तो वो बेचारी तो मर ही जाएगी। कितनी खुश है वो, फूली नहीं समा रही। ऐसे में उसे सच का पता लग गया तो सदमे से वो मर ही जाएगी। हमारे जीवन का क्या होगा, अब हम क्या करें? अब तक बच्चों की तरह शरारतें करती रही है और हमेशा मेरे से मार खाती रही। पर देख, अब पति के घर ढंग से और इज्जत से रहना, नहीं तो वहीं आकर पीटूंगी तुझे। नहीं बेटी, एक बार जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है ना, तो फिर वहां से उसकी आरती ही निकलती है। यही औरत का धर्म है। तू ये रोना धोना बंद कर। तूने बहुत तकलीफें उठाई है इस घर में। कभी कभी तो वक्त पर पेट खाना भी नसीब नहीं हुआ। अरे पर अब तो तेरे भाव पलटने वाले हैं। रोना धोना बंद कर और हंसते खेलते इस घर से विदा ले। लो बेटा, और लो गुड़ थोड़ा। नहीं नहीं बस, रहने दो। अरे बहना छोड़ो इसे, बैठो बैठो। देखो बहना, अब सगली बातें साफ हो गई, अब झटपट ललिया को विदा करने की तैयारी करो। ठीक है भैया, तो फिर जाओ पंडित जी को बुला लो। पंडित जी? अरे कहा कह रही हो बहना, पंडित जी तो हरिपुर गए। और फिर बहना, ये गांव में कभी किसी ने शादी करवाई है का? अरे भैया, यही तो मैं गांव वालों के सामने साबित करना चाहती हूँ कि जो आज तक इस गांव में नहीं हुआ वो मैंने कर दिखाया। देखो देखो बहना, ये गांव की का रीत है, का रिवाज है, उसे छोड़ो और मेरी बात कान खोल कर सुन। ये गांव के बारे में दूर दूर तक सब जाना था, और गोपाल बाबू एक इज्जतदार घर के, अगर गोपाल के गांव वालों को ये पता भी लग गया कि ललिया किस गांव की है, तो गोपाल के गांव वाले उसका और ललिया का जीना दूभर कर देंगे। भैया तुम कहना क्या चाह रहे हो? अरे मैं बेटी को बगैर शादी के कैसे विदा कर दूं? अरे ना ना, ऐसी बात ना है बहना। गोपाल एक भला लड़का है, वो ललिया को इज्जत से रखेगा, मगर इज्जत से रहने के लिए उसे ये छुपाना पड़ेगा कि ललिया किस गांव की। और रही शादी की बात, तो दूसरे गांव जाकर मंदिर में मैं करवा दूंगा। देखो भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर तुम दूसरे गांव जाकर मंदिर में उसकी शादी करवा ही रहे हो तो फिर मैं वहीं से ललिया को विदा कर दूंगी। कहा कहती हो मेरा, तुम्हारी बस की है इतनी दूर जाना? अपनी हालत देखिए, जरा दूर चलने पर तो तुम दर्द से कर रहा उठती हो। अरे भैया, दर्द की मुझे परवाह नहीं है, पर ये तो बेटी को विदा करना नहीं हुआ। अब ये तो बहना, तुमने मुझे तमाचा सा मार दिया। बहना, मामा होने के नाते क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? मैं भी ललिया को कन्यादान करके उसे विदा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो बात नहीं है भैया, पर अच्छा ठहरो, मैं जरा अभी आई। आखिर मेरी किस्मत भी गांव की बाकी लड़कियों जैसी ही निकली। भगवान की जैसी मर्जी, कम से कम माँ तो बाकी की जिंदगी सुकून से काट सकेगी।
कि उसने अपनी बेटी को बेचा नहीं, बाकायदा विदा किया है, बाकायदा विदा किया है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे आद हो गई, ये भी कोई बात है तब पंडित? अरे मैं ऐसे कैसे लड़की विदा कर दूं, ये भी कोई तरीका है? तू भी तो यही चाहती थी ना माँ, तेरी बेटी, लेकिन इस तरह मान क्यों नहीं जाती? क्या तुझे मामा पर भरोसा नहीं है? वो बात नहीं है बेटी, एक लड़का तो भला लगता है, पर मेरे उन सपनों का क्या होगा जो मैंने तेरे ब्याह के लिए सजोए थे? हमारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं माँ, और क्या तुझे अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? मैं भी तेरी बेटी हूं, बिना ब्याह के नहीं जाऊंगी उसके साथ। बरसों के बाद ये मौका मिला है माँ, इसे यूं ही मत गवा। ना ना बेटी, ना ना मत रो, मेरा भी दिल कहता है कि तू इतनी अभागी नहीं है, पर ये गांव वाले, गांव वालों की चिंता छोड़ दे माँ, तू तो जानती है इस गांव की लड़कियों की किस्मत। ठीक है, मैं तुझे तेरे भरोसे भेज रही हूं, रुक। इसे पहन ले और तैयार हो जा, इसे मैंने तेरी शादी के लिए बना कर रखा था। क्या हो रहा है, अभी तक इतनी देर हो रही है? चिंता मत करो गोपाल बाबू, मैं हूं ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत? अरे सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, बेकार की बात मत सोचो और चुप रहो। ठहरो ठहरो भैया, ठहरो। बेटी, ये मैंने तेरे लिए संभाल के रखे थे, ये रख लो बेटी, थोड़े हैं पर शगुन के समझ के रख लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। अरे ले लो, शगुन के हैं, शो के लिए। नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं नहीं लूंगा ये। क्यों, हम गरीब हैं इसलिए? अरे बेटा, मैंने इसी दिन के लिए तो ये जोड़ के रखे थे, रख लो। ऐसे करो, मैं ना ललिया को दे दूं, दामाद जी जरा शर्मा रहे हैं। ये लो बेटी, तू ही रख ले। चलो भाई जल्दी करो, लंबा रास्ता है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। चलो चलो आओ। ख्याल रखना माँ, ज्यादा काम मत करना, तेरे पैरों में दर्द रहता है, पानी भी शंकर भैया से भरवा लेना। ध्यान रहे बेटी, वहां ससुराल में मेरी इज्जत पर आंच मत आने देना।
भैया वहां मंदिर में सब काम ढंग से करवा लेना, मैं आशीर्वाद देने बाद में जरूर आऊंगी। जरूर जरूर। नाडोली है कोई बारात आई है, न सुने हाथों में मेहंदी मेरे रचाई है, नाडोली है कोई बारात आई है, न सुने हाथों में मेहंदी मेरे रचाई है, हुआ मेरा काला पग पग आए मुझको रोना, मैया कैसी ये मेरी विदाई है, ओ मैया कैसी ये मेरी विदाई है। अरे लेना खा, नहीं अरे खा लेना ये ले। ए ललिया थोड़ा सा तू भी खा ले, अरे खा ले माँ। अपनी माँ की याद में अब भी शोक मना रही है, भूल जा उसे और अपने मन के मंदिर में गोपाल को बजाए ले। अच्छा भैया गोपाल अब हम भी चले हा? हमारा तरीक हिसाब भी चुकता कर दो। ये लो 2000 हैं, बाकी जब ये लौटेगी अपने घर लेती आएगी। ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा ले लिया, जुग जुग जी जुग जुग जी। अच्छा राम राम। चला भाव खबर चल जा, अब जाती है कि नहीं? स्क्वायर बना तेरी जिंदगी बना दी, वरना भूखो मरती। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? सच कहता तो क्या राजी होती? ना होती, ये तो जीते जी तुमने मेरे लिए नरक तैयार कर दिया। अब हमको सारी जिंदगी अपने आप से झूठ बोलना पड़ेगा, एक गैर मर्द को बार बार अपना मर्द कहकर पुकारना पड़ेगा, कितने झूठे पड़ेंगे हम। मामा ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, तू तो मेरी माँ का मुंह भोला भाई है ना। तो क्या करती भूखो मरती? ये तेरी माँ थी जिसने अपनी जवानी बुढ़ापा बिता दिया। हम भी बिता देते। खैर अब जो कह दिया है तो इस राज को अपने सीने में ही दफन करके रख लेना, किसी से कहना मत, वरना बेचारी बुढ़िया जीते जी मर जाएगी। सबसे यही कहना कि ललिया की शादी हो गई है, कम से कम गांव वालों के सामने उनकी जमना बुआ गर्व से गर्दन तान कर तो चल सकेगी। हमें यूं मत देखो, बैठ जाओ। हमने तुम्हें खरीदा जरूर है पर दूसरों की तरह नहीं। हमारी बीबी बहुत बीमार रहती है जिसकी वजह से ना वो घर संभाल पाती है ना बच्चों को,
पर हम अपनी बीवी को प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उसे। फिर भी अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम लौट सकती हो अपनी माँ के पास। हमने जो मोटे राम को पैसे दिए हैं वो भी हमें नहीं चाहिए वापस। तुम जा सकती हो अपने घर। तुम्हारा हक बनता है हमें ले जाने का। चलो। घूंघट कर लो, हमारा गांव आ गया। यहाँ लोग यही समझे हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं। राम राम जी। भैया गोपाल ब्याह ले आया? हाँ हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया लाया। अरे भैया ये तो बीबी के रोग में रोगी हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है पूरे साल से भाभी बिस्तर पकड़ी हुई है। उसी के चक्कर में तो हजारों का कर्जदार हो गया है। रोज आजकल की लगे देखो दुनिया से कब जाती है। बापू आए, बापू आए, बापू आए, बापू आए। बापू हमारे लिए गट्टा लाए। मैं तो भूल गया भाई, अब के जाऊंगा तब ले आऊंगा। और खाना ना खाया? बापू जो तू कल बना के गया था वो तो कल रात को ही खत्म हो गया था, आज सुबह से हम चने खा रहे हैं। बापू वो ना वो तुम खेलो, चलो चलो। हाँ सावित्री से मिलवा दो। अरे वाह बापू गुल आए हैं, ये ले चंदू खा तू भी, खा जा फटाफट। सावित्री अब कैसी तबीयत है, बुखार तो नहीं है? यहाँ बैठ। क्या नाम है तेरा? ललिया। तेरे जैसे तेरा नाम भी सुंदर है। कौन गांव की है? जी वो हरिपुर की। माँ बाप? पिताजी का देहांत हो गया, सिर्फ माँ है। ओह ललिया, ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपनी सौतन बर्दाश्त करेगी, लेकिन मैं ऐसी बदकिस्मत औरत हूं कि अपने ही पति से अपने घर में सौतन लाने की जिद कर रही थी। ललिया जिस तरह एक बहन के मर जाने से दूसरी बहन उसके बच्चे को सीने से लगा लेती है, उसी तरह तू भी मेरे बच्चों को सीने से लगा लेना। कैसी उठपटांग बातें करती है, मरे तेरे दुश्मन तुझे कुछ नहीं होगा, समझी? ये तो ऐसे ही बोलते हैं, मौत से भी कोई बचा है आज तक? और कब तक हमें तसल्ली देते रहोगे? फिर वही बात ललिया, तू जा बच्चों को नहला धुला दे और देख मेरे लिए भी पानी भर के रख दियो। अरे सुस्ता तो लेने दो उसे थोड़ी देर। ललिया मेरी तबीयत जो खराब है इसलिए मैं तेरा ठीक ढंग से स्वागत भी नहीं कर सकी। ललिया ये घर अब तेरे ही हवाले है, इसे संभाल के रखना। हाँ।
जी जी आटा कहाँ रखा है? अपनी माँ के यहाँ तो इतने काम करने की आदत नहीं होगी ना तुम्हें। माँ के यहाँ? वहाँ तो हम इससे भी ज्यादा काम करते थे। रोज सुबह जल्दी उठते, फिर जंगल जाकर लकड़ी काटते, फिर कुएं से पानी भर कर लाते, माँ तो हमसे 24 घंटे काम करवाया करती थी, कहती थी ससुराल में तो लड़कियों का काम ही देखा जाता है। अरे कहाँ खो गई और रो क्यों रही हो? माँ की याद आ गई। आटा कहाँ रखा है? वहां कुंडे पर। अच्छा, अरे लीदी ये कौन है? अरे गोपाल की बीवी जो नई ब्याह के लाया। अरे कल तो शादी हुई है, आज खेत में रोटी लेकर भी आ गई। भाई जुलम हो रहा। अच्छा है दीपू की अम्मा बता रही थी तुम्हें आलू की भाजी बहुत अच्छी लगती है ना, सो बना लाए। मिर्ची तो नहीं है ना? हमारी अम्मा ऐसे ही बनाती थी। तुम्हें और क्या क्या खाने अच्छे लगते हैं? हमको सब तरह के खाने बनाने आते हैं। दीपू की माँ को खाना खिला दिया? हाँ अपने हाथ से खिला के आए हैं। और बच्चों को? हाँ उन्हें भी। ठीक है तू घर जा, सावित्री का और बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा।